हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्सएप का एक ऐसा फीचर जिससे बहुत सारे लोग आज भी अनजान हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये फीचर। किसी भी फेस्टिवल में हमें अपने दोस्तों या परिवार को हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली ऐसे मैसेज भेजने होते हैं, पर ये मैसेज हमें पर्सनली भेजने होते हैं क्योंकि किसी को इससे स्पेशल लगता है। बंदे ने यार मुझे पर्सनली मैसेज भेजा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। पर आज भी हम ऐसे ये मैसेज एक एक नाम सेलेक्ट करके भेजते हैं, एक को भेजा, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा। इसमें बुरा तो कुछ भी नहीं है, बट अपना वक्त ज़्यादा चला जाता है। मैंने अपने दोस्तों को भी ऐसे करते हुए देखा है। देखिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं या दूर कर देते हैं एकदम से। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट नाम का एक फीचर होता है जिससे आप अपने मैसेज सबको एक साथ भेज सकते हो। इससे पहले तो आपका टाइम बच जाएगा और सबको पर्सनली मैसेज भी चले जाएंगे और ये मैसेज उनके पर्सनल चैट में ही जाएंगे। चलो देखते हैं फीचर कैसे एक्टिव करना है। पहले तो हमें अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। उसके बाद राइट साइड में 3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करना है। सेकेंड, आप देखोगे कि वहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट करके ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स दिख जाएंगे। इसमें से आपको जिस जिसको वो मैसेज पर्सनल में भेजने हैं उनका नाम सेलेक्ट करके रखना है और आपके मैसेज उन तक आराम से पहुँच जाएंगे, वो भी पर्सनल चैट में। इसके लिए आपको ग्रुप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और ये ग्रुप खाली आपको ही देखेगा कि आपने कितने मेंबर्स ऐड किए हुए हैं और जिसको जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उनके पर्सनल चैट में ये मैसेज चले जाएंगे और उनको पता भी नहीं लगेगा कि आपने ब्रॉडकास्ट करके रखा हुआ है। और अगर आपको ये ब्रॉडकास्ट डिलीट भी करना है तो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और ऐसे न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।